नमस्कार साथियों, सबको पता है शाहबाद के अंदर सूरजमुखी की खरीद को लेकर एमएसपी को लेकर एक आंदोलन चला हुआ है, जिसमें कल जो शाहबाद के अंदर धर्मशाला है वहां पर किसान इकट्ठे होंगे। मेरी सभी किसान साथियों से विनती है, यमुनानगर के किसान साथियों से, हमने उन किसान साथियों का सहयोग करना है, क्योंकि यमुनानगर जिले में बहुत जगह सूरजमुखी लगी हुई है। मैं सभी अपने यमुनानगर के किसान साथियों से विनती करना चाहता हूँ, कल सुबह 10 बजे शाहबाद कम्बोज धर्मशाला वहां पर पहुंचना है, क्योंकि वहां ऐलान किया हुआ जो तारीख 2 तारीख को एक मीटिंग रखी गई थी, चंडीगढ़ में मीटिंग रखी गई थी 4 बजे शाम को, तो हमारे शिक्षा मंत्री कंवर पाल भी उस मीटिंग में थे, एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के भी वहां पर अधिकारी थे, जिससे वहां पर किसानों की सहमति नहीं बनी। तो सभी अपने यमुनानगर के किसान साथी व हरियाणा के जितने भी आसपास के जो कई जिले हैं वहां पर सूरजमुखी लगती है, तो मेरी सभी साथियों से विनती है पूरे दल बल के साथ शाहबाद में पहुंचना है। कल गुरुनाम सिंह के नेतृत्व में एक कड़ा फैसला लिया जाएगा। हमारे नेता गुरुनाम सिंह चुडूनी ने ऐलान कर दिया था 2 तारीख को कि आर पार का आंदोलन होगा, ना उसमें कोई बातचीत होगी। अब तक सरकार का कोई भी मैसेज नहीं आया मीटिंग के लिए, ना रेट के लिए। सभी किसान साथियों की एक ही मांग है, 6400 रुपए के एमएसपी पे सूरजमुखी खरीदी जाए। एक और आज पता लगा है कि सरकार एक और तंत्र स्टार्ट करने लग चुकी है, तो हम किसानों से अपील करेंगे अपनी पूरी दल बल के साथ कल अपने कम्बोज धर्मशाला में पहुंचे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।